हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग है ना फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है ना गति में हम लोग है ना निर्देश बिंदु किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं और गति किसे कहते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके थे है ना, ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में ना, गति के प्रकार टाइप्स ऑफ मोशन और उसके बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे जरूर से जरूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, घंटा बटन जरूर से जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं जब भी अपने चैनल पे वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। तो बच्चों है ना, आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला टॉपिक है गति के प्रकार है ना, टाइप्स ऑफ मोशन है ना, गति के प्रकार। हम लोग गति के बारे में तो समझ गए हैं है ना, कि जब कोई वस्तु किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी गति को निरंतर बदलते रहती है ना, अपनी गति को निरंतर बदलते रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं है ना गति की अवस्था में, उस वस्तु को हम लोग बोलते हैं गति की अवस्था में। तो आप थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाइए है ना, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए कि कोई भी वस्तु है ना समय के साथ जब अपनी स्थिति को बदलता है तो कैसे बदलता है ना, किस तरह से वो गति करता है। तो आप लोग है ना अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे कि है ना कोई आदमी सीधा सड़क पर चल रहा है, जैसे कि हम लोग है ना डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि ये आदमी एक सीधी सड़क पर चल रहा है ना, ये आदमी एक सीधी सड़क पर चल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि समय के साथ ये आदमी एक सीधा सड़क पर क्या कर रहा है, अपनी स्थिति को निरंतर बदल रहा है ना, अपनी स्थिति को निरंतर बदल रहा है, इसलिए सीधा सड़क पर क्या है ये गति कर रहा है। हम लोग ये भी देखे हैं है ना, हम लोग मेला जाते हैं घूमने के लिए, तो मेला में हम लोग देखते हैं है ना, मेला में हम लोग क्या देखते हैं, मेला में हम लोग देखते हैं मौत कुआं। तो मौत कुआं में क्या होता है, बहुत कम क्या होता है ना, एक आदमी मोटरसाइकिल को क्या करता है, चारों तरफ घुमाता है ना, चारों तरफ क्या करता है, घुमाता है मौत कुआं में है ना, मतलब गोल 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 घूमता है ना, गोल गोल घूमता है। तो वो भी आदमी कौन अवस्था में है, गति की अवस्था में है। वो आदमी भी कौन अवस्था में है, गति की अवस्था में है। हम लोग मेला में घूमते हैं और देखते हैं नाव का झुलवा है ना, नाव वाला झुलवा आप लोग देखे होंगे, अब मेला में गए होंगे घूमने के लिए तो है ना, मेला में गए होंगे घूमने के लिए तो आप लोग नाव वाला झुलवा देखे होंगे। तो नाव वाला झुलवा क्या करता है ना, नाव वाला झुलवा एक रस्सी से या एक सिक्कर से बना हुआ रहता है और वो आगे पीछे होता है ना, वो क्या होता है आगे पीछे और आगे पीछे होता है। तो वो भी कौन अवस्था में है, गति की अवस्था में है ना, वो भी कौन अवस्था में है, गति की अवस्था में है। हम लोग मेला में जाते हैं, मिठाई खरीदते हैं, मिठाई खाते हैं और मिठाई पर देखते हैं मक्खी क्या होता है, भनभनाता है। तो मक्खी क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन में चलता है, मक्खी भी क्या होता है गति की अवस्था में होता है। हम लोग देखते हैं मक्खी भी क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, मक्खी भी क्या होता है गति की अवस्था में होता है ना, मक्खी भी क्या होता है गति की अवस्था में होता है। और हम लोग भी क्या होते हैं, मेला घूमते समय गति की अवस्था में होते हैं ना, हम लोग भी क्या होते हैं मेला घूमते समय गति की अवस्था में होते हैं है ना। तो हम अपने दैनिक जीवन में है ना, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा गति को देखते हैं है ना, बहुत सारा गति को देखते हैं। हम अपने घर में ही देखते हैं कि पंखा क्या होता है, ऊपर एक बिंदु से लटका हुआ रहता है और पंखा का जो मोटर होता है वो चलता रहता है ना, पंखा का मोटर क्या होता है चलता रहता है। हम अपने घर में अपने घड़ी को देखते हैं है ना, हम अपने घर में अपने घड़ी को देखते हैं तो घड़ी क्या होता है ना, घड़ी का काटा क्या होता है चलता रहता है। तो वो भी कौन अवस्था में है, गति की अवस्था में है। तो ये सभी वस्तुएं कौन अवस्था में है, गति की अवस्था में है। तो कौन सी गति है ना, किस वस्तु की गति का क्या नाम रखा जाए है ना, कौन से वस्तु की गति को क्या बोलेंगे है ना, कौन सी वस्तु की गति को क्या बोलेंगे। तो इसीलिए गति को जो है ना कुछ
मुख्य भागों में बांटा गया है। तो हम लोग आज के वीडियो में यही पढ़ेंगे, है ना, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, कि गति को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों सबसे पहला है हमारा रेखीय गति, ना सबसे पहला क्या हमारा रेखीय गति, लिनियर मोशन, है ना, क्या है रेखीय गति, लिनियर मोशन। तो रेखीय गति किसे कहते हैं, एक नाम से ही पता चल रहा है रेखीय गति, क्या पता चल रहा है रेखीय गति। तो रेखा क्या होता है, सीधा होता है, रेखा क्या होता है, सीधा होता है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, अगर कोई व्यक्ति एक सीधी सड़क पर दौड़ता है, है ना, अगर कोई व्यक्ति एक सीधी सड़क पर दौड़ता है, अगर कोई कार एक सीधी सड़क पर क्या है ना, सीधी सड़क पर चल रहा है, अगर कोई कार एक सीधी सड़क पर चल रहा है, या कोई भी वस्तु एक सीधी सड़क पर क्या हो रहा है, चल रहा है, तो उस वस्तु को हम लोग बोलेंगे कौन सी गति की अवस्था में, रेखीय गति की अवस्था में, कौन सी गति की अवस्था में, रेखीय गति की अवस्था में बोलेंगे। जिसने कि आपको ही बोलेंगे कि आप अभी सीधा दौड़ जाइए, है ना, सीधा यहां से दौड़ना है, अपनी दिशा को चेंज नहीं करना है, तो आप कौन सी गति करेंगे, तो आप कीजिएगा रेखीय गति, है ना, आप चलिएगा कौन सी गति में, रेखीय गति में, है ना, आप चलिएगा कौन सी गति में, रेखीय गति में। तो रेखीय गति आप लोग समझ गए होंगे कि जब कोई वस्तु एक सीधी सड़क पर, है ना, चलता है, है ना, जब कोई वस्तु एक सीधी सड़क पर चलता है ना, जब कोई आदमी एक सीधी सड़क पर दौड़ता है, जब कोई, है ना, जब कोई गाड़ी या जब कोई कार एक सीधी सड़क पर चल रहा होता है, तो वो सभी होता है, है ना, रेखीय गति में, है ना, वो सभी क्या होता है, रेखीय गति में। तो रेखीय गति का एक सिंपल डेफिनेशन है कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर, है ना, एक सरल रेखीय पथ पर गति करता हो, जब कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, रेखीय गति। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करता हो, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रेखीय गति। तो रेखीय गति का सीधा मतलब हो गया कि जब कोई आदमी या जब कोई कार्य, जब कोई भी वस्तु एक सीधा सड़क पर दौड़ेगा या एक सीधा अपनी दिशा को चेंज किए बिना सीधा चलते रहेगा, है ना, अपनी दिशा को चेंज किए बिना सीधा चलते रहेगा, एक रेखा में चलते रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग कौन अवस्था में, रेखीय गति की अवस्था में। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, रेखीय गति की अवस्था में। जैसे कि हम यहाँ पे पेन को यहां से ले जा रहे हैं, सीधा ले जा रहे हैं, तो मेरा पेन कौन अवस्था में है, रेखीय गति की अवस्था में। हमारा पेन भी कौन अवस्था में है, रेखीय गति की अवस्था में है। तो चलिए बच्चों हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। बच्चों, है ना, इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं अपने नोट कॉपी में, है ना, रेखीय गति का डेफिनेशन अपने नोट कॉपी में लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है, है ना, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है, तो ऐसी गति को रेखीय गति कहते हैं, है ना, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है, तो ऐसी गति को रेखीय गति कहते हैं, है ना, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है, तो ऐसी गति को रेखीय गति कहते हैं, ना, ऐसी गति को रेखीय गति कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ना, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एक सीधी सड़क पर, ना, एक सीधी सड़क पर दौड़ता हुआ आदमी, एक सीधी सड़क पर चलता हुआ कार, है ना, एक सीधी सड़क पर चलता हुआ कार इत्यादि, ये सभी होगा आपका रेखीय गति, है ना, ये सभी क्या होगा, ये सभी होगा आपका रेखीय गति, ठीक है। तो बच्चों हमारा दूसरा है वृत्तीय गति, है ना, हमारा दूसरा क्या है, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, क्या है, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। तो बच्चों, है ना, ये सभी का, है ना, नाम में ही इसका डिफिनेशन है, नाम में ही इसका डिफिनेशन है, है ना, क्या है, वृत्तीय गति, मतलब जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, है ना, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर क्या करेगा, गति करेगा, है ना, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, हम घूमेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वृत्तीय गति। क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति, है ना, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, वृत्तीय गति। जैसे हम लोग मेला में जाते हैं, तो मेला में मौत कुआं में देखते हैं, तो मौत कुआं में क्या होता है, है ना, मौत कुआं में आदमी क्या करता है, है ना, मौत कुआं में आदमी क्या करता है, अपना बाइक को, है ना, गोल गोल घुमाता है, है ना, बाइक को क्या करता है, गोल गोल घुमाता है, तो बाइक, है ना, कौन गति में आ जाएगा, वृत्तीय गति में, है ना, बाइक कौन गति में हो जाएगा,
वित्तीय गति में, जैसे हम लोग मेला में जाते हैं और अपना है ना बचपन का झुलवा देखें, बचपन का झुलवा जिसमें है ना घोड़ा लगा हुआ रहता है, गधा लगा हुआ रहता है, डोली लगा हुआ रहता है ना, वो सभी झुलवा क्या होता है, गोल गोल घूमता है ना, वो सभी झुलवा क्या होता है, गोल गोल घूमता है। तो वो झुलवा भी कौन अवस्था में होगा, है ना वृत्ताकार गति में, है ना वो झुलवा भी कौन गति में होगा, है ना वो झुलवा भी कौन गति में होगा, है ना वो झुलवा भी होगा आपका वृत्ताकार गति में, है ना वृत्ताकार गति में होगा, है ना कौन गति में होगा, वृत्ताकार गति में होगा, है ना। कोई बच्चा क्या होता है, किसी बिंदु के चारों ओर घूमता रहता है ना? कोई बच्चा भी क्या होता है, गोल 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 घूमता हुआ रहता है। जैसे हम लोग बचपन में गाड़ी चलाते थे गोल गोल घूम के, है ना करके गाड़ी चलाते थे गोल गोल घूम के, है ना जैसे आप लोग बचपन में गाड़ी चलाए होंगे मुंह से करते हुए गोल गोल घूमते होंगे ऐसे ऐसे, है ना। तो वो है ना वो कौन गति में हो गया, वृत्ताकार गति में, है ना वो कौन गति में हो गया, वृत्ताकार गति में हो गया, है ना वो कौन गति में हो गया आपका, वृत्ताकार गति में। या कोई बच्चा अपने साइकिल को गोल गोल घुमाता है, है ना कोई बच्चा अपना साइकिल को गोल गोल घुमाता है, है ना कोई बच्चा अपना साइकिल को गोल गोल घुमाता है, तो कौन अवस्था में हो गया वो, है ना कौन गति में हो गया, वृत्ताकार गति में, है ना कौन सी गति होगा वो, वृत्ताकार गति होगा, है ना कौन गति होगा वो, वृत्ता, है ना वृत्ताकार गति होगा। मतलब जब कोई भी वस्तु, है ना कोई भी वस्तु, है ना कोई भी वस्तु अगर एक वृत्तीय पथ पर घूमता है ना अगर एक वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उसको हम बोलेंगे वृत्ताकार गति। या मान लीजिए कोई ट्रेन है, है ना कोई ट्रेन वृत्ताकार पथ पर गति करता है ना कोई ट्रेन क्या करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो वो ट्रेन भी कौन अवस्था में होगा, है ना वृत्ताकार गति की अवस्था में होगा, है ना वो ट्रेन भी कौन गति में होगा, वृत्ताकार गति में होगा, है ना वो ट्रेन भी होगा आपका वृत्ताकार गति में। तो जब कोई भी वस्तु है ना किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन, है ना। अपना घड़ी का कांटा भी देखते हैं, घड़ी का कांटा भी क्या होता है, गोल गोल घूमता है ना, घड़ी के सेकंड का कांटा भी क्या होता है, गोल गोल घूमता है, तो वो भी आपका हो जाएगा, है ना वृत्तीय गति में, वो भी आपका हो जाएगा वृत्तीय गति में। हम लोग देखते हैं अपना साइकिल का चक्का, साइकिल का चक्का भी क्या होता है, गोल गोल घूमता है ना, साइकिल का चक्का भी क्या होता है, गोल गोल घूमता है, तो वो भी हो जाएगा आपका वृत्ताकार गति में, है ना। कुम्हार का चक्का, है ना कुम्हार का चाक भी देखते हैं क्या होता है, गोल गोल घूमता है ना। कुम्हार जो है ना बनाता है मिट्टी का दिया, है ना मिट्टी का बर्तन, वो भी क्या करता है, अपने चक्का को गोल गोल घुमाता है ना, अपने चक्का को गोल गोल घुमाता है, तो वो भी कौन अवस्था में हो जाएगा, वृत्ताकार गति की अवस्था में, है ना वो भी हो जाएगा आपका वृत्ताकार गति की अवस्था में। तो ये सभी चीजें हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं, है ना ये सभी चीजें हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं, है ना। और अगर कोई मान लीजिए अगर कोई आदमी, है ना अगर कोई आदमी एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है ना, अगर कोई आदमी एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है, तो वो आदमी भी कौन अवस्था में हो जाएगा आपका, वृत्तीय गति की अवस्था में, है ना वृत्तीय गति की अवस्था में। तो बच्चों इसका डिफिनेशन होगा, है ना कि यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, है ना यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं, है ना यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं, है ना यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं, है ना यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं, है ना उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मैं आप लोग लिख सकते हैं, है ना जैसे मैं आप लोग लिख सकते हैं, है ना एक वृत्ताकार सड़क पर चलती हुई गाड़ी, है ना एक वृत्ताकार सड़क पर चलती हुई गाड़ी, एक है ना एक वृत्ताकार सड़क पर या एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ता हुआ आदमी, है ना एक वृत्ताकार, है ना एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ता हुआ आदमी, है ना या बोल सही लिख सकते हैं कुम्हार के चाक की गति, है ना कुम्हार के चाक की गति, है ना कुम्हार के चाक की गति, है ना इत्यादि ये सब अभी लिख सकते हैं। आप लोग अपने दैनिक जीवन में सोच लीजिए, है ना आप लोग अपने दैनिक जीवन में देख लीजिए कि कौन कौन से वस्तु वृत्ताकार गति में घूम रहा है, वो सभी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं ना। आप लोग अपने दैनिक जीवन में देख लीजिए कि कौन कौन से वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, वो सभी
एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो वृत्ताकार पथ पर घूमना चाहिए या वृत्ताकार पथ पर चलना चाहिए। ठीक है, चलिए ना, तीसरा है हमारा है ना दोलन गति। क्या है? दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन है ना, ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति ऑसिलेटरी मोशन। तो अब दोलन गति क्या है? दोलन गति क्या है? इसका बहुत सिंपल डिफिनेशन है, बहुत सी सिंपल है ना, कि यदि कोई वस्तु है ना, यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के इर्द गिर्द या आगे पीछे या ऊपर नीचे है ना, आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, तब उस वस्तु की गति को क्या बोलते हैं? दोलन गति है ना, दोलन गति है ना। यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के इर्द गिर्द या आगे पीछे है ना, या ऊपर नीचे बोल सकते हैं है ना, किसी बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, तो उस वस्तु की गति को क्या बोलते हैं? दोलन गति है ना, क्या बोलते हैं? दोलन गति। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? दोलन गति। जैसे आप लोग बचपन में झुलवा झूलते होंगे है ना, झुलवा झूलते होंगे, कौन झुलवा? तो क्या करते हैं हम लोग, गाछ में बांध देते हैं है ना, गाछ में रस्सी को बांध देते हैं, रस्सी पे बैठ के झुलवा झूलते हैं है ना। तो उस झुलवे की गति भी क्या होगा? आपका दोलन गति, क्योंकि वो झुलवा भी क्या होता है? आगे पीछे होता है ना, रस्सी वाला झुलवा है ना, रस्सी वाला झुलवा जिसको हम लोग गाछ में बांध के घूमते हैं है ना, आगे पीछे। तो उस झुलवा की गति भी क्या होगा है ना? उस झुलवा का गति भी होगा आपका दोलन गति है ना, उस झुलवा का गति भी क्या होगा आपका? दोलन गति। या घड़ी का पेंडुलम ले लीजिए, घड़ी का पेंडुलम भी क्या होता है ना, इस तरह से आगे पीछे है ना घूमते रहता है, आगे पीछे क्या होता है? घूमते रहता है। तो घड़ी के पेंडुलम की गति भी क्या हो जाएगा आपका? दोलन गति। या सिलाई मशीन ले लीजिए, सिलाई मशीन का सुई ना, सिलाई मशीन का सुई भी क्या होता है? ऊपर नीचे होता है ना, सिलाई मशीन का सुई भी क्या होता है? ऊपर नीचे होता है, वो भी आपका क्या हो जाएगा? दोलन गति। आप लोग मेला घूमने जाते हैं है ना, आप लोग मेला घूमने जाते हैं और मेला में नाव वाला झुलवा झूलते हैं है ना, नाव वाला झुलवा, तो नाव वाला झुलवा भी क्या होता है? आगे पीछे होता है ना, आगे पीछे होता है। तो नाव के झुलवा की गति है ना, नाव के झुलवा का गति भी क्या हो जाएगा आपका? दोलन गति है ना, नाव के झुलवा का गति भी क्या हो जाएगा आपका? दोलन गति। या अपने हाथ को ऐसे से घुमाइए, अपने हाथ को इस तरह से है ना, अपने हाथ को इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से करेंगे, तो ये मेरा जो हाथ का गति भी क्या हो जाएगा? दोलन गति। क्या हो जाएगा? ये दोलन गति। तो आप लोग समझ गए होंगे दोलन गति क्या है ना, कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, तब उस वस्तु की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? दोलन गति। तो बच्चों आप लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं है ना, आप लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के इर्द गिर्द है ना, यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के इर्द गिर्द है ना, यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के इर्द गिर्द या आगे पीछे, यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के इर्द गिर्द या आगे पीछे गमन करती है ना, यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के इर्द गिर्द या आगे पीछे गमन करती है, तो उसकी गति को दोलन गति कहते हैं है ना, तो उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। यदि कोई है ना, यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के इर्द गिर्द या आगे पीछे गमन करती है, तो उसकी गति को दोलन गति कहते हैं है ना, तो उसकी गति को दोलन गति कहते हैं है ना, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? दोलन गति। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं है ना, आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सिलाई मशीन के सुई की गति है ना, सिलाई मशीन के सुई की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति है ना, घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति है ना, झूले की गति इत्यादि, यह सब इसका परिभाषा आप लोग लिख, एग्जाम्पल आप लोग है ना, ये सभी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं है ना, ये सभी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारा चौथा है आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। तो आवर्त गति क्या है? तो देखिए आवर्त, पहले आप लोग आवर्त का मतलब समझिए है ना, पीरियड का मतलब समझिए, पीरियड जैसे कि हम लोग स्कूल में हमारा क्लास होता है पीरियड के हिसाब से है ना, हमारा क्लास होता है पीरियड के हिसाब से है ना, हमारा क्लास क्या होता है? पीरियड है ना, मतलब
पीरियड का मतलब हुआ किसी खास समय अंतराल के बाद। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और काम कर लिए और फिर एक घंटा के बाद फिर दोबारा काम करेंगे, फिर एक घंटा के बाद दोबारा काम करेंगे, वही काम सेम टू सेम काम है ना। एक काम के जैसे कि मान लीजिए कि हम अभी यहां पे हैं और यहां पर हैं और मान लीजिए इसके बाद यहां चलाएं, दो सेकंड लगा, फिर यहां चलाएं, फिर दो सेकंड लगा, फिर यहां चलाएं, फिर दो सेकंड लगा, तो हम यहां से यहां आने में और यहां से यहां आने में कितना समय लग रहा है, दो सेकंड। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ही काम को बार बार कर रहे हैं ना, एक ही काम को क्या कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, एक ही काम को हम लोग बार बार कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं आवर्त, मतलब जब कोई काम हम लोग है ना समान समय अंतराल के बाद फिर करते हैं है ना, समान समय अंतराल के बाद वही काम हम लोग दोहराते हैं है ना। जब कोई भी काम हो और समान समय अंतराल के बाद हम लोग वही काम को दोहराएंगे है ना, वही काम को क्या करेंगे, दोहराएंगे, तब है ना क्या वो बोलते हैं उसको हम लोग आवर्त। तो हमारे घड़ी का जो सेकेंड वाला कांटा होता है, हमारे घड़ी का जो सेकेंड वाला कांटा होता है वो अपनी गति को दोहराता है कितना सेकेंड के बाद, 60 सेकेंड के बाद। जैसे कि कांटा 12 पे गया, 12 के बाद घूमते हुए कहां आया, फिर पुनः 12 पे आया, तो टाइम कितना हुआ, 60 सेकेंड। फिर 12 से पुनः वो चलेगा है ना, 12 से कैसे चलेगा, पुनः चलेगा है ना, 12 से वो पुनः चलेगा, तब उस काटा को हम लोग बोल सकते हैं कौन गति में, आवर्त गति में है ना, कौन गति में, आवर्त गति में। तो आवर्त गति में सिंपल इसका है कि जब कोई वस्तु है ना, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता है ना, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में है ना, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त गति। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, आवर्त गति है ना। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता है तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, आवर्त गति। जैसे आप लोग को हम एग्जाम्पल दिए हैं कि है ना अपना घड़ी का सेकेंड वाला काटा लीजिए, घड़ी का सेकेंड वाला काटा है ना, घड़ी का सेकेंड वाला काटा, सेकेंड वाला काटा क्या होता है, 60 सेकेंड के बाद वह अपनी गति को पुनः दोहराता है ना, 60 सेकेंड के बाद वह अपनी गति को पुनः दोहराता है ना, 60 सेकेंड के बाद वह अपनी गति को पुनः दोहराता है ना, 60 सेकेंड के बाद वो अपनी गति को पुनः दोहराता है ना। तो वो हो गया आपका क्या चीज, आवर्त गति। हम लोग अपने घड़ी के कांटे की गति को है ना, हम लोग अपने घड़ी के कांटे की गति को क्या बोलेंगे, आवर्त गति है ना, क्या बोलेंगे, आवर्त गति। क्योंकि घड़ी में जितना भी कांटा होता है सभी कांटा समान समय अंतराल के बाद वो अपनी गति को दोहराता है। जैसे कि आप लोग अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मेरा वीडियो है ना सुबह 10 बजे देख रहे हैं, आप कब देखिएगा, तो कल सुबह 10 बजे देखिएगा है ना, कल सुबह 10 बजे, फिर परसों सुबह 10 बजे। तो यहाँ जो आपका समय अंतराल है वो एक समान है, यहाँ जो है आपका समय अंतराल वो एक समान है और कार्य भी एक समान क्या है, तो आप हमेशा मेरे वीडियो को देखिएगा है ना, आप लोग हमेशा मेरे वीडियो को देखिएगा। तो ये अब हो गया आपका पीरियड, एक क्या हो गया, एक पीरियड हो गया है ना, ये आपका हो गया एक पीरियड, ठीक है। तो जब कोई भी काम हम लोग समान समय अंतराल के बाद करते हैं है ना, कोई भी काम हम लोग समान समय अंतराल के बाद करते हैं तो उसको बोलते हैं आवर्त है ना, और जब कोई वस्तु समान समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराएगा तो उसको बोलेंगे आवर्त गति। जैसे कि हमारे घड़ी के पेंडुलम, हमारे घड़ी का जो पेंडुलम होता है, देखिए हमारे घड़ी का जो पेंडुलम होता है इस तरह से दौड़ता है ना, यहाँ से दौड़ के इधर, इधर से दौड़ के इधर जाता है ना, तो क्या होता है ये समान समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता है ना, ये समान समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता है ना। घड़ी का जो पेंडुलम है वो इस साइड से दौड़ता है तो है ना, बीच से जितना जाने में इधर समय लगता है उतना ही जाने में इधर समय लगता है ना, जितना जाने में इस साइड समय लगता है उतना ही समय इस साइड जाने में लगता है, तो वो अपनी गति को क्या करता है, दोहराता है ना, समान समय अंतराल के बाद क्या करता है, वो अपनी गति को दोहराता है। तो घड़ी के पेंडुलम का गति भी क्या हो जाएगा आपका, घड़ी के पेंडुलम का गति भी क्या हो जाएगा आपका, घड़ी के पेंडुलम का गति भी हो जाएगा आपका आवर्त गति, क्या हो जाएगा, आवर्त गति है ना। अब हमारा पृथ्वी भी क्या करता है ना, अब हमारा पृथ्वी भी क्या करता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है ना, हमारा पृथ्वी भी क्या करता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो हमारे पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की गति भी क्या कहलाएगा, आवर्त गति, क्या कहलाएगा, आवर्त गति है ना, क्या कहलाएगा, आवर्त गति, क्योंकि वो भी समान समय अंतराल में घूमता है ना, वो भी समान समय अंतराल में घूमता है, ठीक है।
तो बच्चों आप लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं, है ना, कि जब कोई वस्तु किसी खास समय अंतराल के बाद, है ना, जब कोई वस्तु किसी खास समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है, है ना, जब कोई वस्तु किसी खास समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है तो वस्तु की गति को आवर्त गति कहते हैं, है ना। जब कोई वस्तु किसी खास समय अंतराल के बाद, है ना, जब कोई वस्तु किसी खास समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है तो वस्तु की गति को आवर्त गति कहते हैं, है ना, तो वस्तु की गति को आवर्त गति कहते हैं, है ना, तो वस्तु की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं घड़ी के पेंडुलम की गति, है ना, घड़ी के पेंडुलम की गति, है ना, घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, है ना। फिर लिख सकते हैं घड़ी के, है ना, घड़ी के कांटे की गति, है ना, घड़ी के सुई की गति, है ना, घड़ी के सुई की गति इत्यादि। तो बच्चों हमारा पांचवा नंबर है अनियमित गति, है ना, अनियमित गति, है ना, रैंडम मोशन, है ना, अनियमित गति, रैंडम मोशन, क्या है, रैंडम मोशन, अनियमित गति, है ना, क्या है, अनियमित गति, रैंडम मोशन। तो अब रैंडम मोशन किसे कहेंगे, अनियमित गति किसे कहेंगे, है ना, तो अनियमित गति, तो अनियमित मतलब हो गया कि जब कुछ वस्तु ऐसा भी होता है ना, कुछ वस्तु ऐसा भी होता है जिसकी गति का कोई पथ ही नहीं होता है, है ना, जिसकी गति का कोई पथ नहीं होता है, पता ही नहीं चलेगा कि ये किस पथ पर गतिशील है, ना, पता ही नहीं चलेगा ये किस पथ पर गतिशील है। जैसे देख लीजिए मक्खी का गति, मक्खी जैसे उड़ता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस पथ पर उड़ रहा है, है ना, मक्खी की गति, है ना, मक्खी की गति आप लोग देखे होंगे, मक्खी को उड़ते हुए आप लोग देखे होंगे, तो मक्खी का जो गति होता है, होता है अनियमित गति, क्योंकि मक्खी की गति का कोई पथ नहीं होता है। जैसे आप लोग, है ना, फुटबॉल के खिलाड़ियों का गति, है ना, फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ियों की गति देखिए, है ना, फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ियों की गति, है ना, फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ियों की गति का भी कोई निश्चित पथ नहीं होता है, है ना, फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ियों की गति का भी कोई निश्चित पथ नहीं होता है, तो वो भी आ जाएगा आपका अनियमित गति में, किसमें आएगा, अनियमित गति में, है ना, किसमें आ जाएगा, अनियमित गति में, है ना। आप लोग जरूर देखे होंगे फुटबॉल के खिलाड़ी को दौड़ते हुए, कैसे दौड़ता है पता ही नहीं चलेगा कि कौन दिशा में जा रहा है, है ना, कौन दिशा में दौड़ रहा है पता ही नहीं चलता है। तो आप लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की गति का कोई निश्चित पथ नहीं होता है, है ना, यदि किसी वस्तु की गति का कोई निश्चित पथ नहीं होता है, यदि किसी वस्तु की गति का कोई निश्चित पथ नहीं होता है तो उस वस्तु की गति को अनियमित गति कहते हैं, है ना, यदि किसी वस्तु की गति का कोई निश्चित पथ नहीं होता है, है ना, यदि किसी वस्तु की गति का कोई निश्चित पथ नहीं होता है तो उस वस्तु की गति को अनियमित गति कहते हैं, है ना, यदि किसी वस्तु की गति का कोई निश्चित पथ नहीं होता है तो उस वस्तु की गति को क्या कहते हैं, अनियमित गति, है ना, उस वस्तु की गति को हम लोग बोलते हैं अनियमित गति। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।